ऋणानुबंध बीसी समूह तथा समस्त कुनबी समाज बंधु दिग्रस की ओर से गुरुदेव नगर में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज सभागृह में यवतमाल वाशिम लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद संजय भाऊ देशमुख का शनिवार को शानदार सत्कार समारोह संपन्न हुआ। इस पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेता मानिक राव जी ठाकरे उपस्थित थे। शहर के गुरुदेव नगर में शनिवार को उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नवनिर्वाचित सांसद संजय देशमुख का बैंड बाजे और फटाकों की गूंज के साथ जोरदार स्वागत किया गया। ऋणानुबंध बीसी समूह तथा समस्त कुनबी समाज बंधुओं की ओर से आयोजित इस शानदार समारोह में सांसद संजय देशमुख और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानिकराव ठाकरे ने हाजिरी लगाई। इस मौके पर संजय देशमुख ने सत्कार समारोह के लिए कुनबी समाज बंधुओं के प्रति न सिर्फ आभार प्रकट किया बल्कि कहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समर्थन दिया उसी तरह से साथ देते हुए आगामी विधानसभा चुनाव जीतकर हमें दिवाली मनानी है। यामध्ये आपले समाज बांधव तर आहेत, परंतु या भागातील सर्व जाती धर्माच्या लोकांनी सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला सहकार्य केलेला आहे। मी मनापासून आमचे प्रसिद्ध पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, आपल्या देशाचे नेते आदरणीय खासदार शरदचंद्रजी पवार साहेब, आपल्या नेत्या सोनिया गांधी, राहुलजी गांधी या लोकांनी माझ्यावर विश्वास टाकला। आमच्या या लोकशाही आघाडीमध्ये मला या ठिकाणी तिकीट मिळवून दिली आणि तिकीट मिळाल्यानंतर सुद्धा आदरणीय माणिकराव भाऊ या जिल्ह्यातील सर्व नेत्या यांनी सुद्धा अतिशय प्रचंड मेहनत करून या ठिकाणी मला विजयी होण्यामध्ये फक्त संजय देशमुखच या ठिकाणी विजय झाला नाही तर पूर्ण लोकशाही आघाडीचे सर्व नेते या ठिकाणी विजयी झाले आहेत। आणि ज्या पद्धतीने तुम्ही या ठिकाणी माझा आज सत्कार केलेला आहे अशीच दिवाळी आपल्याला विधानसभेनंतर सुद्धा या ठिकाणी साजरी करायची आहे, हे सुद्धा आपण सर्व सामान्य मंडळींनी लक्षात घेतलं पाहिजे। इस मौके पर राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मानिकराव ठाकरे ने भी महाविकास आघाड़ी की जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए बीजेपी और शिंदे गुट पर कटाक्ष किया और कहा कि पक्ष फोड़ा फाड़ी की राजनीति करने वालों को जनता ने जवाब दे दिया है। हम तो फक्त पैसा करता अपन पक्षांतर करावो, फक्त मोठं पद त्या ठिकाणी मिळते म्हणून पक्षांतर करावो, अशा प्रकारचं किळसवाणं राजकारण जे बीजेपी सारख्या पक्षाने या ठिकाणी राजकीय तुमचा मंच नाही म्हणून मी त्यावर येणे करत, परंतु काही गोष्टी ह्या मनाला लागतात। जर राजकारण या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारचं राज्यात झालं नसतं, आज उद्धवजी ठाकरे प्रामाणिक माणूस, प्रामाणिक नेतृत्व आणि त्यावेळेला त्यांच्यासोबत ज्या पद्धतीनं राजकारण खेळलं गेलं, कोण खेळणारी होती, काय होती, ते लोकांना पसंत पडलं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सांसद संजय देशमुख को मिली जीत के बाद दिग्रस शहर में उनका ये पहला सत्कार कार्यक्रम साबित हुआ जिसके आयोजकों ने शानदार तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस शानदार सत्कार समारोह में बड़ी संख्या में शामिल कुनबी समाज की महिलाएं, पुरुषों और युवाओं के उत्साह ने आगामी विधानसभा चुनाव में भी कुनबी समाज सहित अन्य समाज बंधुओं का संजय देशमुख और मानिकराव ठाकरे को भरपूर समर्थन का संकेत दे दिया है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस PSK मशीन। मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।